নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনুষ্ঠানে দেশের রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ না জানানোর জন্য উদ্বোধনের আগে থেকে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক চলছে আজ নতুন ভবনের উদ্বোধন নিয়ে বাবা রামদেব বলেন এই অনুষ্ঠান হচ্ছে এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান সংসদ গণতন্ত্রের মন্দির বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন পাঁচ লক্ষ বীর বীরঙ্গনাদের আত্মবলিদানের ফলে এই সংসদ ভবন পেয়েছে। देश अनुष्ठान यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं ये ऐतिहासिक क्षण है ये कई पीढियां इसको याद रखेंगे एक ऐसा अवसर है जब हम देश की संसद के माध्यम से देश के लोकतंत्र का देश की स्वाधीनता का देश की एकता अखंडता और संप्रदाय का सम्मान करते हैं और संसद मात्रिक भवन नहीं है ये लोकतंत्र का मंदिर है पांच लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत जो हमने आजादी पाई उस देश की आजादी का कोई सर्वोपरि सम्मान का कोई केंद्र है तो वो संसद है और उस संसद का बहिष्कार करना और उस संसद का घेराव करना जिस क्षण यह गौरव पल घटित हो रहा है उसी समय उसका घेराव करने की बात करना ये देश का देश की संसद का ये लोकतंत्र का और जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उन वीर वीरांगनों का ये अनादर अपमान है जिन्होंने हमेशा तिरंगे के का मान बढ़ाया और जो देश के लोकतंत्र का देश की संसद का सदा सम्मान करते हैं वो कम से कम देश की जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा उस समय उसके घेराव की बात या उस समय संसद की तरफ कूच करने की बात इस प्रकार के आंदोलन से खिलाड़ियों को भी दूर रहना चाहिए और मैं आशा करता हूँ दूर रहेंगे जो भी उनको आंदोलन करना है वो आगे पीछे करते हैं उसमें क्योंकि देश के लोकतंत्र हमें आंदोलन करने का भी अधिकार देता है देश की, की संसद देश का संविधान भी हमें आज़ादी का अधिकार देता है लेकिन जिस समय ये गौरवपूर्ण समय है जिस समय उसका उद्घाटन हो रहा है उस समय संसद भवन का घेराव संसद के की, ओर की पड़ाव या संसद का बहिष्कार यह लोकतंत्र का संविधान का देश की आजादी का अपने शहीदों का अपमान है संवाद पर अपडेट पेते चुप पूर्वांचल प्रतिदिन धन्यवाद